हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? फ्रंट में दिख ही रहा होगा रायगढ़ चंद्रपोर्ट दर्शन। तो इस टाइप का नज़ारा है, देखिए, जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। ये रायगढ़ शहर के निकट चंद्रपोर धाम है, जहाँ माँ चंद्रहासिनी और माँ नाथलदाई विराजमान रहती हैं, और ये जांजगीर चांपा जिला में पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों को एक एक व्यू दिखाऊंगी, आप लोग बस मेरे वीडियो में बने रहिए। माँ चंद्रहासिनी जी के मंदिर का बाहर वाला मेन गेट, मंदिर का फर्स्ट वाला गेट, भीड़ का माहौल काफ़ी लग रहा है इधर, जो कि मैं वो पीछे साइड के गेट से आई हूँ। और ये आपका फर्स्ट वाला गेट है, और आप लोगों को अंदर जाके दिखाऊंगी सारा नज़ारा, आप लोग बस मेरे वीडियो में बने रहिए। इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियों में यहाँ का दीवाल बना हुआ है। सीढ़ियाँ यहाँ की काफ़ी लंबा है, आप लोग चढ़ते चढ़ते इस तरह से झांकियाँ बनी हैं, उसका आनंद आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर बना है आगे, और तो आप लोग भी कभी आइए चंद्रपुर घूमने के लिए। और यहाँ देखिए हनुमान जी का बहुत ही बड़ा शानदार मूर्ति है, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है, का ही बताऊँ आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों से बना हुआ ये मंदिर। ये रहा माँ के मंदिर का मेन गेट, जो कि यहाँ आप लोगों को अंदर नहीं बता सकती, आप लोग खुद आइए और देखिए। चंद्रपुर महानदी का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है। सामने गाड़ियाँ चल रही है, पिकनिक के लिए आप लोग भी आइए यहाँ, और दर्शनीय स्थल बहुत ही बेस्ट जगह है यहाँ, आप लोग ज़रूर 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 आइए। यहाँ की विशेषताएं, बताया जाता है कि पिता के द्वारा एक बच्चे को इस महानदी में फेंका गया था, जो कि माँ अपने आंचल में उसको उठाई हुई थी। नीचे देखिए महानदी के व्यू का आनंद ले रहे हैं सभी भक्तगण। जलता ज्योति कलश वाला घर है ये, जहाँ मन्नत मांगते हैं और दीप जलाते हैं। बकरी देखो चल रही है। माँ का चरण स्थल यहाँ कहा जाता है कि माँ अपने चरण यहीं पर रखी हुई थी, इसीलिए उनका चरण चिन्ह है यहाँ पे। यहाँ भी दर्शन के लिए आप लोगों को खुद ही आना होगा, क्योंकि यहाँ अलाव नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। इस तरह से है चंद्रपुर धाम, और देखिए गौरी और शंकर जी का आधा आधा वाला मूर्ति, जो बहुत ही ऊपर है, बहुत बड़ा मूर्ति है ये भी। इस तरह से बहुत ही शानदार मूर्ति है। और जो सामने दिख रहा है घर, वो है आपका झांकी वाला घर, जो बहुत सारा रामायण महाभारत कृष्ण वगैरह का झांकी है। सुंदर सुंदर मूर्तियों से बना हुआ, आकृतियों से बना हुआ ये दीवार देखिए, बहुत ही सुंदर है। का ही बताऊँ, यहाँ देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों से बना हुआ है झांकियाँ, जो कि यहाँ देखिए विष्णु लक्ष्मी जी हैं, जो अपने पैर दबा रही हैं, और देखिए यहाँ हाथी का पैर को देखिए मंगल पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, आप लोग भी ज़रूर आइए चंद्रपुर घूमने के लिए। ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जो कि अभी अभी न्यू बना है, देखने में बहुत ही सुंदर है। काफ़ी भीड़ चल रही है, भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, और पिकनिक के लिए भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। ये रही मैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ आने से। देख सकते हैं आप लोग, खरीदारी करने के लिए बहुत सारा सामान वगैरह लगा हुआ है, प्रसाद वगैरह बहुत कुछ, मूर्तियाँ, काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं यहाँ पे, जो कि आप लोग फुल शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। नदी के पुल का नज़ारा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, इसी वजह से पुल बहुत ही ज़्यादा हिलता है। यहाँ जितने भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, सभी यहाँ ये महानदी के किनारे ही यहाँ खाना वाना बनता है। बहुत ही अच्छी जगह है, शांत लगता है बिल्कुल माहौल एकदम, इसीलिए मैं तो अक्सर यहाँ आया करती हूँ। नाव का भी आनंद ले सकते हैं। सामने जो दिख रहा है मंदिर, माँ चंद्रहासिनी जी की छोटी बहन नाथलदाई जी का मंदिर है। यहाँ की विशेषताएं हैं, बताया जाता है कि जब बारिश के मौसम में इस महानदी में जब बाढ़ आ जाता है,
ये पुल के ऊपर से जब पानी बहने लगता है, यहाँ तक कि यहाँ चंद्रपुर गांव भी पूरा डूब जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो छोटी बहन मानाथल ताई जी का मंदिर है उसे कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं डूबता है मंदिर, ऐसा यहाँ का मानना है, बताया जाता है। सोचने वाली बात है इस तरह से। ओ माय गॉड, का ही बताऊं गाइस, मैं क्या देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल नया मंदिर है। और यहाँ पुलिस देखिए सुरक्षा के लिए बैठी हुई है। अंदर जाके देखते हैं आगे कि ये कौन सा मंदिर बना हुआ है, मुझे भी नहीं पता था, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है ये। और शायद यहाँ आज इस मंदिर का उद्घाटन है, इसी वजह से यहाँ इतना भीड़ है और यहाँ मेला भी लगा हुआ है। इस मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यहाँ देखिए भीड़ लगा हुआ है। चलो जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे। बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, चलो आज देख ही ली। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, अंदर से मैं नहीं दिखा पाऊँगी। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण जी के नाम के संकीर्तन हो रहा है, यहाँ पे नाच गाना, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। देख ही सकते हैं कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बजाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं इसमें। इस तरह से देखिए सभी राधा और कृष्ण जी के संकीर्तन में पूरा झूम रहे हैं, एकदम नाच रहे हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। तो कैसा लगा मेरे चंद्रपुर का वीडियो? वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।